DDLJ, अगर आप सोच रहे हैं कि हम शाहरुख खान की पिक्चर की बात क्यों कर रहे हैं, नहीं, DDLJ कहते हुए आज कांग्रेस ने प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार की चीन नीति पर कटाक्ष किया। विपक्षी पार्टी का ये वक्तव्य उस वक्त आया है जब प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मौके पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक ऐतिहासिक द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता 5 साल के अंतराल के बाद दोबारा हो रही है। इस बातचीत को ऐसे वक्त पर शुरू किया गया है जब दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर नियमित गश्त फिर से शुरू करने पर सहमति बन गई है। लेकिन कांग्रेस ने आज कहा कि चीन के प्रति मोदी सरकार का दृष्टिकोण DDLJ मॉडल है, जिसका मतलब है डिनाई, डिस्ट्रैक्ट, लाई एंड जस्टिफाई। मतलब पहले इनकार कीजिए, फिर ध्यान भटकाइए, फिर झूठ बोलिए और फिर किसी चीज को उचित ठहरा दीजिए। जयराम रमेश के 2 पेज के बयान में कांग्रेस ने कहा कि गलवान के बाद भी सरकार ने यह कहकर चीन को क्लीन चिट दे दी थी कि कोई भी भारत की सीमा में घुसा ही नहीं, और ये सरकार की नासमझी और भोलेपन को दर्शाता है। लिहाजा इस समझौते पर कांग्रेस ने सरकार से 6 अहम सवाल पूछे हैं। सवाल ये कि क्या LAC से पीछे हटने का मतलब है कि भारतीय सैनिक दिप्सांग में पहले की तरह गश्त कर पाएंगे? क्या हमारे सैनिक डेमचौक में उन तीनों पेट्रोलिंग पॉइंट तक पहुंच पाएंगे जो 4 साल से अधिक वक्त से हमारी पहुंच के बाहर है? तीसरा सवाल ये पूछा गया कि क्या हमारे सैनिक पैंगोंग सो में फिंगर 3 तक ही सीमित रहेंगे या फिर फिंगर 8 तक जा पाएंगे? क्या हमारी गश्ती टीम यानी कि पेट्रोलिंग पार्टी को गोगरा हॉटस्प्रिंग क्षेत्र में उन 3 पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक पहुंचने की अनुमति मिलेगी जहां वो पहले जाते थे? और क्या भारतीय चरवाहों को एक बार फिर से चुशुल में हेलमेट टॉप, मुकपारे, रिजांगला, रिंचनला जैसे इलाकों में जाने की इजाजत दी जाएगी? क्या बफर जोन जो हमारी सरकार ने, ऐसा कांग्रेस का कहना है कि बफर जोन को हमारी सरकार ने चीन को सौंप दिया था, क्या वापस अब वो बफर जोन हमें मिलेगा? What exactly was the pre-2020 situation? Which are those areas into which China transgressed in the April and May of 2020? How deep were those transgressions? Number 3, has China withdrawn from all those areas in which it had transgressed into? From Karakoram Pass to Chumar, they are 65 patrolling points, and India has lost access to 26 of those. So therefore, under those circumstances, have we regained access to those 26 patrolling points? कांग्रेस ने 6 सवाल उठाए दिए हैं, पर अड़ी में आज के सवाल क्या हैं? क्या मोदी जिनपिंग मुलाकात से एक बार फिर से हिंदी चीनी भाई भाई? गलवान के बाद चीन से व्यापार क्यों बढ़ता गया? क्या चीन पर भरोसा करना सच में ना समझी है जैसे कि कांग्रेस ने बोला है? और क्या भारत की चीन की तरफ नीति DDLJ है यानी कि डिनाई, डिस्ट्रैक्ट, लाई एंड जस्टिफाई? शिवम त्यागी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। कर्नल रिटायर्ड तेज टिक्कू, डिफेंस एक्सपर्ट भी हमारे साथ है। मेरे सहयोगी मनीष झा भी हमारे साथ है। कुछ ही देर में पंकज शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक, और डॉक्टर भालचंद्र कांगो, नेता CPI भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। शिवम त्यागी, पहले आप ही बता दीजिए, DDLJ एक ये नया पंचवर्ड कांग्रेस ने आज बोला है चीन और आपके बीच में, DDLJ, डिनाई, डिस्ट्रैक्ट, लाई, जस्टिफाई। मुझे लगता है उन्होंने इस वर्ड्स के मतलब बता दिए, लेकिन टेक्निकली जो बॉलीवुड स्टाइल में DDLJ को जिस तरीके से जानते हैं, अगर किसी का ऐसा कोई संबंध चाइना से है तो वो तो कांग्रेस का ही रहा है। अब मैं बहुत इतिहास में नहीं जाना चाहता, UN की परमानेंट सीट से लेकर 37,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन देने तक और अरुणाचल का वो हिस्सा देने तक जहाँ पर एक बार कहा जाता था कि वहाँ पर तो कुछ होता ही नहीं है, उगता ही नहीं है, तो उस ज़मीन का क्या ही वैल्यू है? क्या हाल किया है कांग्रेस ने, ये देश अच्छे तरीके से जानता है। 62 में किस तरीके से स्टैटिक चीजों पर हम हारे हैं, किस तरीके से प्रेडिक्शंस फेल हुई हैं, किस तरीके से हिंदी चीनी भाई भाई की स्थितियां बनी और उसके बाद हिंदुस्तान को एक करारी हार मिली। लेकिन आज एक बात जो स्टैब्लिश हुई है, जो तय हुई है, वो ये कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए और बनती है बात बनाने वाला चाहिए। एक चीज हिंदुस्तान, चाइना और दुनिया बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि ये वो दोनों देश हैं जिनके पास अप्रोक्सीमेटली पूरी दुनिया की 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन रहती है। हम चाहते हैं कि संबंध बहुत बेहतर हो। 2015 में सुषमा जी वहां पर गई थी और उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि व्यापारिक स्तर पर चीजें हमारी बेहतर हो, लेकिन बॉर्डर को लेकर लगातार उनकी जो स्थितियां रही, जिस तरीके से चाइना का रवैया रहा,
वहां पर एक लगातार स्टैंड ऑफ, बड़ा स्थितियां रही और माहौल जो है हद से ज्यादा खराब हुआ, खासतौर पर 2020 के बाद। इसी बात में तो सब लोग इत्तेफाक नहीं रख लें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने क्या बोला है, उन्होंने कहा है कि आपने ये तो बोल दिया झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, पर झुका कौन है? ये तो आपने एक वेग सा स्टेटमेंट दे दिया है कि एक सहमति बन गई है। 6 सवाल उन्होंने क्या पूछे, क्या फिंगर 8 तक हम लोग पैंगोंग सो पर अब पेट्रोलिंग करेंगे, क्या बफर जोन हमारे पास वापस आ गए हैं, क्या चीन कल को दोबारा अपने सैनिक कहीं हमारे क्षेत्र में भेज देगा, इसकी कोई गारंटी है? बिल्कुल, बेशक मैं एक चीज यहां पर कहना चाहता हूं कि अभी पिछले दिनों एस जयशंकर जी से बात हो रही थी, एक वार्ता में उन्होंने कहा ये जमीन का विषय नहीं है, ये विषय है फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट का। जो सेना होती है, चाहे वो LAC हो चाहे वो भारतीय सेना, वो बिलोंग करती है अपने कैंप से, उनकी तैनाती होती है वहां पर, लेकिन जिस तरीके से स्थितियां खराब हुई, जिस तरीके से पेट्रोलिंग में इश्यूज आए, वहां पर लेकर फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट हुई। फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट में 50,000 से ज्यादा सैनिक हमारे और उनके थे, उस चीज को लेकर सरकार ने कहा और यहां की सेना ने वो एक बात की कि हम बिल्कुल भी पीछे हटने वालों में से नहीं है, ठीक है, यह पुराना भारत नहीं है कि हम पीछे हट जाएंगे और कहीं ना कहीं जो है चीजों को इस तरीके से लाइटली ले लिया जाएगा। लगातार वहां पर स्थितियां खराब हुई, हमारे 20 जवान शहीद हुए, बदले में उनके 100 से ज्यादा जवान शहीद हुए, सेना वहां पर लगातार होती रही, सबसे खराब स्थितियों में भी हम 50,000 से ज्यादा थे। अल्टीमेटली चाइना को समझ में आया कि कुछ भी हो, ये आज का भारत है, यहां पर बदलाव कुछ नहीं हो सकता। 17 जो है कमांडर लेवल की बातचीत हुई, उसके अलावा स्टैटिक 21 बातचीत अलग से हुई, उसके बाद अगर आज चाइना हिंदुस्तान की आजादी के इतिहास में पहली बार अपनी पोजीशन से वापस हटा है, तो ये नरेंद्र मोदी सरकार में उससे पहले कहीं पर ऐसा हुआ तो आप मुझे बता दीजिए। ठीक है पंकज शर्मा जी, आप बता दीजिए पहले ऐसा कभी हुआ है? चाइना हमेशा डराता रहा है, लोगों को धमकाता रहा है, लोगों के टेरिटरी में जाकर के कब्जा करने की कोशिश करता रहा है, पहली बार किसी ने अगर पुशबैक किया है तो वो है आज की सरकार, आज का भारत, कह रहे हैं भाजपा के शिवम त्यागी। आज के भारत ने बता दिया है बॉस कौन है। अच्छा, तो चीन ने भारत के सामने घुटने टेक दिए हैं, ये हम मान लेते हैं। क्या आप चीन जो है अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा मानना बंद कर देगा? क्या वो अरुणाचल प्रदेश में जो मैकमोहन लाइन है उसको मंजूरी दे देगा? जो अक्साई चिन है उसको अब वो भारत का मान लेगा? दोनों देशों के बीच एक मान्य LAC बना लेगा? पेंगोंग झील का जो विवाद है अब उसको खत्म कर देगा? जो गलवान में पूरे सैन्य निर्माण कर लिए हैं अब उनको हटा लेगा? डोकलाम में अब वो चुपचाप बैठ जाएगा? चिकन नेक में अब वो अपनी टांग कभी अड़ाएगा नहीं? नाथुला पर अब अपनी वो नियत फिर खराब नहीं करेगा? हम जो है जो पुराने पेट्रोलिंग पॉइंट थे फिंगर 8 तक, वहां फिर गश्त कर पाएंगे? अब वो जो मेजर शैतान सिंह का स्मारक स्थल है वो हमारे पास वापस आ जाएगा? और जो सैनिकों की वापसी है वो 2020 के स्थिति तक हो जाएगी, तो बहुत अच्छा है। मैं अपने प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करूंगा कि अगर उन्होंने चीन के इस तरह घुटने टिकवा लिए हैं, तो ये असली मसले जब तक हल नहीं होते हैं, तब तक इनका समाधान नहीं निकलता है, तब तक पैर में घुंघरू बांधकर अभी से नाचना शुरू कर देना जरूरी नहीं है। जयराम त्यागी, थोड़ा ठहरिए। 6 सवाल जयराम रमेश ने, 18 सवाल पंकज जी ने। देखिए अब मैं क्या बताऊं, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो डिसएंगेजमेंट होना था, उस पर सहमति बनी है, अब डीएस्केलेशन होना है, क्योंकि जाहिर है दोनों देशों की जो सेना है वहां पर खड़ी हुई है। अगर सहमति जताई गई है, इसका अर्थ है कि हम इसको पॉजिटिवली आगे लेकर जाएंगे। अपने समय में युद्ध हार जाने वाले, चाइना को लेकर हमेशा दोहरी नीति अपनाने वाले, और आज के राहुल गांधी जो विदेशों में जाकर भी ये कहते हैं कि सेना पिट रही है, आज वो अपने समय की दी हुई जमीनों को हमसे पूछ रहे हैं कि वो वापस देगी चाइना के नहीं देगी। चलिए माना तो सही आपने कि आपने दिया था, लेकिन हां हम फिर से कहना चाहते हैं, हम कहीं पर भी टोन डाउन नहीं करने वाले हैं। विषय बहुत साफ है, जिस तरीके से ईस्टर्न लद्दाख में स्थिति बनी, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जाकर कहा था ठीक है आपको ये विस्तारवादी नीति छोड़नी पड़ेगी, ये नहीं चलेगी। जिस तरीके से साउथ चाइना सी में रोजाना फिलीपींस किस तरीके से चाइना को आके दिखा रहा है, उसको बैक कहां से मिल रहा है, क्या मिल रहा है, मैं इस बारे में नहीं जाना चाहता और बताना चाहता, लेकिन इतना जरूर है कि जो ये स्थितियां बनी है इसमें सरकार और हिंदुस्तान की कहीं ना कहीं जो पॉलिसी है वो सुपर सक्सेसफुल रही है, ठीक है, और ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ। इससे पहले कांग्रेसी से आपने पूछा था, अगर आपके समय हुआ तो बता दीजिए, एक नहीं बता पाए। ठीक है, इससे पहले कि पंकज जी इसका जवाब दे, आपको चैलेंज दिया गया है, आप बताइए 1962 के बाद कब ये ऐसा हुआ है 2024 से पहले? पर एक अपडेट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो मीटिंग है जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं मनीष, वो अब शुरू हो चुकी है। राजनीति तो चलती रहेगी, पर मुख्य मुद्दे क्या होंगे जिनमें ये दोनों बात करेंगे, शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी?
बिल्कुल देखिए, 20 मिनट से अधिक का वक्त हो चुका है जब प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट जिनपिंग के बीच ये मीटिंग चल रही है। 5 साल बाद एक बार फिर से इस मीटिंग में क्या क्या बातचीत होगी, तो सबसे पहले तो माहौल बेहतर हो सके। देखिए, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद जितना जटिल है, उससे ज्यादा मुश्किल सवाल यह है कि भारत और चीन के बीच संबंध कैसे होने चाहिए। क्योंकि अगर संबंध अच्छे हैं तो ये होगा कि कौन कितना झुका, कौन कितना नहीं झुका। लेकिन डोमेस्टिक राजनीति से अलग होकर अगर आप देखें तो भारत और चीन के बीच 3,500 किलोमीटर की करीब लंबी सीमा रेखा है। दोनों दुनिया के सबसे बड़े पावरफुल कंट्री में से हैं, दोनों की जियोपॉलिटिक्स में एक बड़ी भूमिका है। वैसी स्थिति में कोई भी मुल्क इस बात को इग्नोर नहीं कर सकता है कि उसका पड़ोसी चीन है, और ऐसे में चीन के साथ डील करना ही होगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि यह फैसला एक दिन में लिया गया कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स गए और वहां पर कजान में उन्होंने जिनपिंग को देखा और जिनपिंग को कहा आओ भाई जरा मिलके बैठ के बात करते हैं। कई महीने इस पर सोचा समझा गया, और इसकी बैकग्राउंड मीटिंग आप यूं देखें कि जुलाई में दो दो बार विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर मिले चीन के विदेश मंत्री से, वहां पर इसको अंतिम रूप दिया गया। और फिर 12 सितंबर को जब ब्रिक्स की बैठक में जब एनएसए गए थे, उस वक्त चीन के विदेश मंत्री के साथ बैठक के बाद यह फैसला लिया गया कि अब समय आ गया है जब दोनों देशों के टॉप लीडरशिप मिले, ताकि भारत और चीन के बीच जो भी मतभेद है अगर उसे सुलझाना है। और एक आखिरी बात, जब प्रधानमंत्री मोदी चाहे रूस यूक्रेन का मामला हो या इसराइल ईरान का मामला हो, वहां जाकर कहते हैं कि शांति और बातचीत के जरिए ही समाधान निकल सकता है, तो ये अप्लाई हम पर भी होता है। तो भारत ने एक बार ये दिखाया है कि हम इसे अमल किया जा सकता है। पंकज जी देखिए, आपने पूरा विश्लेषण सुन लिया। किसी को कह देना कि भाई हम धूल चटा देंगे, नाक रगड़ देंगे, ये राजनीति में ठीक लगता है, पर कूटनीति में जिस तरीके से पिछले 4 साल से भारत ने काम किया है, उसका नतीजा हमारे सामने है। 62 से लेकर अभी तक तो नहीं हुआ था ना ये। भारत और चीन के बीच संबंधों की आज जो हालत है वो क्यों है, ये मूल प्रश्न है। उसके लिए कौन सी सरकार जिम्मेदार है, ये मूल प्रश्न है। जो मसले मैंने उठाए भारत और चीन के बीच के, अगर उनका कोई अंततः नतीजा नहीं निकलता है समाधान, तो इस तरह की बातचीत का और ये माहौल बनाना, जैसे कि चीन ने भारत के सामने अब तो घुटने टेक दिए हैं और भारत सर्वोपरि हो गया है, चीन उसके सामने झुक गया है, ये माहौल जानबूझकर बनाना ये ठीक बात नहीं है। हमने देखिए, चीन का रवैया तो हमेशा संदिग्ध रहा है, और आपने पद्मजा जी देखा 10 साल में कि हमारे जो नरेंद्र भाई मोदी है प्रधानमंत्री जी, वो भी भारत चीन संबंधों को लेकर कभी इधर कभी उधर, कभी साबरमती के किनारे झूला झूलते हैं, कभी शी जिनपिंग के पैतृक गांव में जाकर उनके साथ हाथ में हाथ डाल के टहलते हैं, और कभी ऐसी नौबत आ जाती है कि दोनों एक दूसरे की तरफ देखना नहीं चाहते, दोनों एक दूसरे की तरफ नजरें तरेरते हैं। तो जो अंतरराष्ट्रीय राजनय है वो टीनेज टेम्पर का विषय नहीं है कि या तो हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, या फिर ऐसी नफरत कि एक दूसरे की जान ले ले। तो क्या करना चाहिए अगर वो मिले जाकर के, तमिलनाडु में मिले वो शी जिनपिंग से, उसके बाद गलवान की घटना होगी, तो क्या करना चाहिए? कहना चाहिए कि हम दोस्त दोस्त रहेंगे? तब तो उसका जवाब देना पड़ेगा ना, और बातचीत भी जारी रखनी पड़ेगी। मेरा मतलब ये है कि वो तो हमको समझा रहे हैं 4.25 साल से, गलवान की घटना हुई तो आप कह रही हैं, वो तो कह रहे हैं कि न तो कोई घुसा न कोई घुसा हुआ है, ठीक है, हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए, और प्रधानमंत्री जी हमको 4.25 साल से समझा रहे हैं कि नहीं न कोई घुसा न कोई घुसा हुआ है। 4,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर जमीन चीन ने हथिया ली, शिवम त्यागी तो उसकी चिंता नहीं। भारतीय जनता पार्टी के अपने पूर्व सांसद, ये मैं मतलब आए साउंड रोड बेहुदा और नहाय पागलपन वाली बात है जो ये बोल रहे हैं, उसका सर पैर इन्हें भी इसमें मत बोलिए। और कभी ऐसी रुसवाई कि हंटर बाजी को उतारूं, रुक जाइए, थैंक यू, हो गया आपका, कोई तर्क नहीं, थैंक यू। मैं आपको भारत की रुसवाई, मैं आपको दो छोटे छोटे एग्जांपल्स देता हूं, इस तरह के दो छोटे छोटे एग्जांपल आएंगे, ये देखने के लिए अभी इंतजार करना चाहिए, ठीक है, इंतजार। दो छोटे छोटे एग्जांपल्स देता हूं इनकी सरकार और हमारी सरकार के फर्क के। एक है 1950s का, जब चाइना लगातार जो है तिब्बत पर कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लगातार अंदर बढ़ता जा रहा था, तिब्बत ने कई बार सरकार से हिंदुस्तान से इस बात पर गुहार लगाई, पर उसको देखा जाना चाहिए। उस जमाने में सरदार पटेल ने नेहरू जी को कहा था कि अगर यही स्थितियां रही तो विस्तारवाद इतना बढ़ता चला जाएगा कि ये आने वाले समय में भारत को भी इंपैक्ट करेगा, वो किया। अब स्ट्रेट टू 2014 SCO समिट, जब हमारे एस जयशंकर जी गए पाकिस्तान में, हमारी उनसे बात चल रही है, हम उनसे लगातार चीजों को सुलझा रहे हैं, लगातार कमांडर लेवल की भी बातचीत चल रही है, लेकिन
मेरे देश के मंत्री ने वहां पर खड़ा होकर कहा कि जिस तरीके से आप ये सीपेक प्रोजेक्ट बना रहे हैं ये इस देश की सॉवरेनिटी के लिए ठीक नहीं है। किस तरीके से आपको डिप्लोमेसी आगे लेकर जानी है ये क्लैरिटी होनी चाहिए। हम चाइना को लेकर कहीं भी डिफेंसिव नहीं है, हम चाइना को लेकर कहीं भी वो दब्बू वाला रवैया नहीं अपना रहे, हम ये नहीं मान रहे हैं कि हम उनके सामने झुक जाएंगे। यही फर्क है आप में ये और हम में, यही फर्क है इस स्थिति में कि अगर हमारे 20 जवान शहीद हुए तो हमने उनके 150 मारे। यही फर्क है आज कि जिस तरीके से बॉर्डर पर ये स्थिति है, ये डीएस्केलेशन हो ही सिर्फ इस वजह से रहा है कि चाइना जानता है कि उसका इकोनॉमिक हालत कितना खराब है, हिंदुस्तान कितनी बेहतर स्थिति में। हिंदुस्तान अगर रशिया से कहीं ना कहीं संबंध रखता है तो कहीं ना कहीं इसके अलावा जितनी भी बाकी कंट्रीज है अमेरिका से भी उतना ही बेहतर संबंध है। पाकिस्तान के साथ भी हम लगातार बात करेंगे, लेकिन सिर्फ ये कहते हैं कि सबसे पहले हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व होना चाहिए। अगर ये नीति आपकी पहले रही होती तो चीजें बहुत बेहतर होती देश में। चीन हमसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, क्या हम आज की स्थिति देखिए, बड़ी हवेली होने से जरूरी नहीं है कि बहुत सारी जो एमिनिटीज है वो भी आज ही की है। आज स्थिति देखिए उनकी क्या है, वो किस स्तर पर बढ़ रहे हैं, हम किस स्तर पर बढ़ रहे हैं आप नहीं जानते क्या, परंपरा थी क्या, हालात है उनके आप नहीं जानते क्या। ये सब क्या दर्शाता है, चीन से जो आयात है वो इन 5 साल में $70 बिलियन से बढ़ के $101 बिलियन हो गया है। ठीक है, इससे इस चीन को जो हमारा निर्यात है वो $16 बिलियन पर रुका हुआ है। इससे पहले कि मैं फुनसोक स्तोब्दन के पास दोबारा जाऊं, मनीष, ये बार बार ये बात कही जाती है और आपने इसके ऊपर काफी रिसर्च की है। एक तरफ ट्रेड टाइज जारी है, दूसरी तरफ आप अग्रेशन को पुशबैक कर रहे हैं, साथ ही साथ बातचीत भी हो रही है। ये ट्रेड टाइज के बारे में सरकार क्या सोचती है, क्योंकि बार बार सवाल उठाया जाता है कि लगातार उनका सामान हमारे देश में आ रहा है, फिर भी आप कह रहे हैं कि उनको लाल आंख दिखा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चीन को लेकर हम इमोशनल अप्रोच की जगह हमें प्रैक्टिकल अप्रोच रखना पड़ेगा, और यह हमारी मजबूरी कहें या यह रियलिटी है पूरी दुनिया की, केवल भारत के सामने नहीं, अमेरिका और चीन के बीच बहुत खटास है। लेकिन इसके बाद भी है कि अमेरिका में आप चले जाइए, किसी भी घर में, किसी भी स्टोर में अगर चीन का सामान आपको ना दिखाई दे, उनके यहां से ट्रेड ना हो रहा हो, तो बात यह है कि भारत के साथ एक और दोहरी चुनौती है कि भारत और चीन की सीमा लगती है, और इसी वजह से अगर आप देखें तो भारत और चीन के संबंधों में जब भी कुछ सोचना पड़ता है, 2020 में घटना घटी, लेकिन उसके बाद हमारा व्यापार बढ़ता रहा और वो व्यापार बढ़कर 2022 में $110 अरब हो गया। मतलब क्या है, मतलब यह है कि हम दुश्मन देश हैं, चीन दुश्मन देश है, लेकिन इसके बावजूद उनसे व्यापार करना एक रियलिटी में अगर आप कहें तो हमारी मजबूरी भी है और यह पूरी दुनिया के लिए है। तो ऐसे चीजों को देखते हुए भारत ने यह फैसला लिया कि प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है। प्रैक्टिकल अप्रोच यह है कि हमने यह साफ तौर पर चीन से कहा है कि सीमा पर शांति और स्थिरता जरूरी है, युद्ध तो करना नहीं है, और लेकिन एट द सेम टाइम हमने यह भी कहा कि अगर संबंध बनाने हैं तो फिर सीमा पर आपको डिसंगेज होना होगा, वहां पर डिस्कलेशन करना पड़ेगा, और इसीलिए हम बातचीत कर रहे हैं। लेकिन जरा बड़ा पहलू देखिए, बड़ा पहलू यह है आज की तारीख में, आज का जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें जिस तरीके से दुनिया तेजी से बदल रही है, क्या आप इस बात को इग्नोर कर सकते हैं कि चीन किसके पाले में जा सकता है? कल के दिन में जब बड़ी समस्या आएगी तब फिर क्या करेंगे? तो बहुत सारे इसके डायनामिक्स हैं जिसे हमें चीन के साथ संबंधों के साथ देखना पड़ेगा। और साथ ही साथ भारत एक अलग अकेला देश नहीं है जिसके ऊपर विस्तारवादी चीन का हमला लगातार हो रहा है। उन्होंने ताइवान के साथ क्या किया, उन्होंने बाकी देशों के साथ क्या किया है, और लगातार भारत पुश बैक करने की कोशिश कर रहा है, पर चीन सिर्फ हमारे ऊपर ही नहीं, कई और ऐसे देश भी हैं जिनके ऊपर हमला कर रहा है। मनीष, बिल्कुल, देखिए मैं चीन को लेकर एक बात कहता हूं कि ताइवान से बेहतर कोई नहीं समझता है कि चीन क्या करने वाला है, क्योंकि दोनों का डीएनए एक है। और ताइवान पर जिस तरीके से चीन हमलावर है और माना जा रहा है कि 2025 में वो ताइवान को कब्जा करने की कोशिश करेगा, तो ऐसे में लगता यह है कि चीन फिलहाल ये चाहता है कि ताइवान के मुद्दे पर भारत का समर्थन भले ना मिले लेकिन भारत विरोध ना करे, इसलिए वो इस रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत इस बात को नहीं समझ रहा है। जनवरी में फिलीपींस जब विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर गए तब उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चीन को दूसरे देशों की संप्रभुता के बारे में समझना पड़ेगा। अब ऐसी स्थिति में आप देखिए, एक तरफ रूस है, एक तरफ जो दुनिया के तमाम बाकी मुल्क हैं, दूसरे तरफ पश्चिमी देश है, अगर आप चीन के साथ संबंध को ठीक नहीं बनाएंगे तो फिर आपको अमेरिका पर ज्यादा निर्भर रहना होगा, फिर उसके एक अलग दुष्परिणाम होंगे। तो वैसी स्थिति में आपको संतुलित नीति अपनानी होगी, और संतुलित नीति अभी यही है कि बातचीत भी करो और अपनी सीमा की सुरक्षा भी करो। पर शायद जब हम राजनीति की बात करते हैं तो उसमें संतुलन थोड़ा सा शायद मुश्किल हो जाता है, खास तौर पर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। फुनसुक स्तोब्दन जी शायद हमारे साथ दोबारा जुड़ गए, इससे पहले कि आप जवाब दें, स्तोब्दन जी, लेख पढ़ के आया हूं, स्तोब्दन जी, जो अभी डेवलपमेंट हुए हैं
उनको आप कैसे देखते हैं? क्या ये एक फर्स्ट स्टेप है या एक बहुत बड़ी उपलब्धि आप मानेंगे? खैर पूरा डिटेल्स तो आया नहीं है अभी तक। हेलो, हाँ जी बोलिए सर, बिल्कुल पूरे डिटेल्स तो आया नहीं, द फाइन प्रिंट्स आर नॉट देयर, तो आज शायद कल तक हमें पता चलेगा कि और डिटेल पता चले, लेकिन अभी तो सिर्फ वही कह रहे हैं कि एक फर्स्ट स्टेप में थोड़ा सा फॉर्मल एग्रीमेंट हुआ है। चाइनीज तो ये भी नहीं कह रहा है, चाइनीज तो ये कह रहा है कि जी हाँ जी कुछ एग्रीमेंट हुआ है, क्लैरिटी वहाँ भी नहीं है, तो कहना बड़ा मुश्किल है कि ये जो ब्रेक थ्रू हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि ये एक सिर्फ पेट्रोलिंग की बात कर रहा है। पेट्रोलिंग तो आपको पता है कि एक एग्रेसिव टर्म है, ये कोई दोस्ती का काम नहीं है। पेट्रोलिंग फौज लोग करते हैं, आप और मैं नहीं करते हैं। जब हम फौज लोग जब बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करते हैं, वो खाली हाथ तो जाते नहीं है, बंदूक लेके जाते हैं। ये पेट्रोलिंग बिनाइन पेट्रोलिंग है, शांति वाला पेट्रोलिंग है, या ये कहना है कि रात को आप पेट्रोल कीजिए, दिन में हम पेट्रोल करेंगे? क्या न्यू टर्म्स इसमें ऐड किया है, क्या न्यू प्रोटोकॉल किया है? हिंदी में बात करेंगे, इंग्लिश में बात करेंगे या मैंड्री में बात करेंगे? ये चीजें तो पता होगा, दो कमांडर के बीच में बात होगा, तो ये डिटेल्स तो आया नहीं है। ये पहले भी हुआ थे CBM कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, ये कमांडर लोग बात करेंगे, लेकिन एक चीज ये है, 4 साल में चाइनीज ने अपना मिलिट्री ऑब्जेक्टिव फुलफिल किया है और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव भी फुल किया है। हमारे साइड से एक विदेश नीति की तरफ से एक डिप्लोमेसी में स्कोर किया है। जयशंकर जी बड़े अच्छे आदमी हैं, स्किलफुल है, हमने डिप्लोमेटिक स्कोरिंग किया है, बड़ा सोच समझ के इन चीज़ों को डील किया है, लेकिन चाइनीज ने 4 साल में मिलिट्री अचीवमेंट किया है और लॉन्ग टर्म ग्लोबल स्ट्रेटेजिक अचीवमेंट किया है, इसीलिए ब्रिक्स में ये बातें ला रहा है। परसों क्यों नहीं लाया, परसों क्यों नहीं लाया, आज क्यों ला रहा है कजान में? तो उनका एक बड़ा पिक्चर है। प्रॉब्लम है कि हमारे देश में बड़ा स्ट्रेटेजिक विजन है नहीं है, या तो आप मिलिट्री बात करेंगे या आप विदेश नीति की बात करेंगे, विजन तो है नहीं। मोदी जी के पास कोई विजन होगा, हमें तो पता नहीं है। विजन का मतलब 100 साल का विजन है कि नहीं है? ओ, हमारा लद्दाख से आगे तो जाती ही नहीं है विजन। आप क्यों कह रहे हैं कि चाइना ने अपना लॉन्ग टर्म मिलिट्री विजन वो अचीव कर लिया है, किस तरीके से? विजन तो लिमिटेड विजन होता है, लिमिटेड विजन होता है, काराकोरम से आगे नहीं सोचते आप। नहीं, चाइना ने किस तरीके से अपना मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया, जैसे कि आपने बोला अभी, बोला कि पेट्रोलिंग जहां पे करने वाला है वहां पे तो वो बैठे हैं। अभी वो डिसएंगेजमेंट हुआ नहीं तो पेट्रोलिंग कैसे करेंगे? दिल्ली में अगर फौज में बैठा है तो आप सिविलियन वहां से कैसे चलेगा, पहले ये बताइए। चाइनीज ने विड्रॉ तो किया नहीं है तो पेट्रोलिंग कैसे होगा? या पहले तो विड्रॉ करो फिर पेट्रोलिंग होगा? तो क्लैरिटी तो नहीं है। मैं खुद मानता हूं कुछ और कुछ चीजें होंगे, हमें नहीं पता है, आपको नहीं पता होगा, कल परसों तक और पता चल जाएगा। स्टेटमेंट आया नहीं है, कजान में अभी मीटिंग चल रहा है, डिटेल्स पता नहीं है, तो जम करना तो मुश्किल है। लेकिन एज ए नो, दीज आर ऑल टेक्निकल इश्यूज, अब वो खिचड़ी पकड़ने वाली बात तो है नहीं है। बिल्कुल, इधर का लाओ उधर लाओ, कांग्रेस का लाओ बीजेपी का लाओ, यही यही ऑल टेक्निकल मैटर्स। यही विपक्ष भी कह रहा है कि रिएक्ट करने से पहले हमें ये टेक्निकलिटी पता होना बहुत जरूरी है कि कितना विड्रॉल हुआ है, पेट्रोलिंग कैसे होगी, जो सारे पॉइंट्स अभी स्तोभदान जी ने मेंशन किए। क्या एक जरूरत है कि अभी ईस्टर्न लद्दाख में बैठा हूं, मैं लद्दाख में बैठा हूं अभी। जी बोलिए स्तोभदान जी, बोलिए। मैं लद्दाख में प्रेजेंट हूँ तो मुझे अपने आंखों से तो नजर नहीं आ रहा है कि हम पेट्रोल कर रहे हैं, वो नहीं आ रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक 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 पिक्चर देखा दिया टीवी पे कि कुछ हो रहा है, लेकिन ग्राउंड पे कुछ ऐसा नहीं लगता है मुझे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कर्नल टिक्कू, क्या आपको आपको लगता है कि पूरे विपक्ष को, देश को कॉन्फिडेंस में लेकर के ये क्लैरिटी देना ज्यादा जरूरी है कि ये जो समझौता हुआ है इसके बिंदु हैं क्या क्या? पंकजा जी, एक दो इश्यूज हैं और ये पॉलिटिक्स बहुत इसमें आ गया मेरे ख्याल से, उसका मिलिटरली अगर हम ट्रांसलेशन करें तो वो कुछ अलग ही चीज़ बन जाती है। सबसे पहले इसकी जो रूपरेखा है वो 10 दिन के बाद इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, वो स्टेटमेंट बता रही है विदेश सचिव की। तो मतलब 1-2 नवंबर के आसपास हमारे पेट्रोल्स वहाँ जा सकेंगे जहाँ वो नहीं जा पा रहे थे, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि अगर आप इंडिया और चाइना की रिलेशनशिप देखेंगे, 1914 से जब मैकमोहन लाइन का एग्रीमेंट उनको साइन करना था शिमला के अंदर, उन्होंने आज तक
कभी भी अपने हितों से समझौता नहीं किया है, वही किया है जो उन्होंने करना था अपने हितों को बचाने के लिए। मैं इनकी आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मैकमोहन लाइन पर उन्होंने साइन नहीं किया, हालांकि तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव ने साइन किया। तिब्बत उस वक्त ऑटोनोमस था। उसके बाद 1950 में जब उन्होंने तिब्बत पर हमला किया तो हमने उसका अपोज करना चाहिए था। हमने क्या किया, हमने अपना कंसुलेट जो था काशगर में वो विड्रॉ किया और हिंदी चीनी बाई बाई के चक्कर में हमने उनको बोला कि ठीक है तिब्बत भी आपका है। फिर जब उन्होंने 1955-56 में नेशनल हाईवे 211 जो लासा और जिंगजांग को जोड़ती है जो कंस्ट्रक्ट करनी शुरू कर दी, हमें पता था कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं लेकिन हमने बोला नहीं हमें नहीं मालूम है। जब पता चला फिर बाद में 1959 में तो पार्लियामेंट में अनाउंस किया, वहां तो कुछ उगता ही नहीं है। तो अगर आप ये पूरी प्रतिक्रिया देखेंगे ना, फिर 62 हुआ, आपने अक्सरचन 38,000 स्क्वायर किलोमीटर लूज किया। क्यों? हमारी मानसिकता ऐसी थी कि पार्लियामेंट में डिफेंस मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं हम तो बॉर्डर्स के ऊपर विलेज को डेवलप नहीं कर रहे हैं, कल तो चाइना ले जाएगा। तो मानसिकता हमारी कैसी थी? गलवान की मानसिकता अभी भी वही है, बस शोषित। मैं नहीं मानता हूँ गलवान के बाद मानसिकता बदली हुई है, मैं नहीं मानता हूँ ये ठीक बात है। क्योंकि ट्राई जंक्शन पर उन्होंने सिक्किम इंडिया और जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसको बोलते हैं उसके ऊपर जो ट्राई जंक्शन बन रहा है, जब वहां पर उन्होंने गड़बड़ करनी शुरू कर दी, फोर्सेज का डिप्लॉयमेंट इंक्रीज किया था, हमने अपने फोर्सेस मिरर डिप्लॉयमेंट करी थी। यही बात जो है गलवान के बाद अप्रैल 2020 के बाद हुई, जब उन्होंने 50,000 ट्रूप्स वहां डिप्लॉय किए, हमने भी उतने ट्रूप्स डिप्लॉय किए। इनफैक्ट मुझे नहीं लगता है हिस्ट्री में चाइना की किसी देश के साथ जो रिलेशनशिप है उसमें कभी चाइना ने बोला हो कि हम ये बात मानते हैं। पर देखिए क्या कोट किया जा रहा है, अभी वो कह रहे हैं कि जो जयशंकर जी ने पार्लियामेंट में बोला था कि दे आर अ मच बिगर इकोनॉमी देन आवर्स, तो उसको कोट करके आज कांग्रेस ने ये सवाल पूछा है कि क्या आप ये कह रहे हैं कि आप क्षमता नहीं रखते हैं चाइना का मुकाबला करने की, जब आप खुद कोई मंत्री कहते हैं कि वो हमसे एक बड़ी इकोनॉमी है। जी कांग्रेस को भी मालूम है चाइना की स्थिति क्या है, आई मीन किसको हम बेवकूफ बना रहे हैं। जब उनकी सरकार थी तो वो तो हमेशा घुटना टेकते थे चाइना के आगे। अच्छा। कब उन्होंने स्टैंड लिया, कब चाइना ने एक्सेप्ट किया कि हम वो अपनी पेट्रोलिंग नहीं करते। एक एक आप इनसे पूछ, एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट में आपको बता, देखिए देपसांग में पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से लेकर 13 और 11 ए भी है, मतलब 5 पेट्रोलिंग पॉइंट है जहां आप नहीं जा सकते थे पहले क्योंकि उन्होंने बंद कर दिया था जाना, और वो बहुत सेंसिटिव है क्योंकि वो कराकोरम हाईवे के साथ जाती। अब हमारे पेट्रोल जो है 10 दिन के बाद वहां जाना शुरू करेंगे, 15 आदमी महीने में दो बार जाएंगे, कुछ तो प्रोग्रेस है ना इसमें। ठीक है, प्रोग्रेस तो है भले से ही आप माने ना माने, डॉक्टर भालचंद्र कांगो और कर्नल टिक्कू कह रहे हैं कि मानसिकता बदल गई है, एक जो दब्बू सा रवैया था वो अब नहीं रहा है। मुझे लगता है कि जो मुख्य सवाल है इसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। 2020 में चाइना ने एग्रेसिव भूमिका क्यों ली थी? क्योंकि ये चाइना का रवैया है। इसका जब तक जवाब नहीं मिलता है वो 2020 क्या, वो तो सालों साल से जब से चाइना एग्जिस्टेंस में है तब तक कोई कंक्लूजन में आना मुश्किल है। नहीं मुश्किल नहीं है, क्यों लिया था आपके हिसाब से? दूसरी बात ऐसी है, ब्रिक्स की मीटिंग चल रही है, ब्रिक्स किसके, ब्रिक्स किस लिए चल रही है? ब्रिक्स ये इंपीरियलिज्म को काउंटर करने के लिए है, ये उसमें से निकलेंगे नहीं। और उसमें इंडिया की भूमिका बड़ी अहम है, ये चीन भी जानता है, ये रशिया भी जानता है, और इसीलिए इंडिया के साथ ज्यादा दुश्मनी करके फायदा नहीं है, ये चीन का इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग है, उसीलिए चीन ने एक स्टेप आगे आया है। लेकिन उसकी टेक्निकलिटीज आने के बाद मालूम हो जाएगा। यहां तक मेरा सवाल है और हमारे पार्टी का सवाल है, हम ये कहेंगे कि हमारा नेबर हम चूज नहीं कर सकते, नेबर ये फिजिकल है और उसके लिए कोई भी नेबर के साथ हमारा डायलॉग और डिस्कशन यही तरीका होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व करने का, और उसकी उस बहाने उस बेसिस के ऊपर मैं इस एग्रीमेंट का स्वागत करता हूं कि कम से कम एक स्टेप क्यों ना हम आगे बढ़े हैं, और उसीलिए उसका स्वागत करता हूं क्योंकि ये मिलिटेंसी के सिवाय ये बताता है कि डायलॉग और डिस्कशन इज द ओनली वे फॉरवर्ड एज फार द नेबर्स आर कंसर्न। और मुझे लगता है कि ये मैसेज बड़े स्ट्रांगली जाता है और सब 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 हमसाय देशों के साथ करना चाहिए, डायलॉग और डिस्कशन को सपोर्ट है हमारा। सब बोला इन्होंने सब, नहीं तो डायलॉग और डिस्कशन ही करना ही चाहिए। डायलॉग और डिस्कशन के सिवाय कोई भी प्रॉब्लम हल नहीं। शिवम त्यागी, थैंक यू। डायलॉग और डिस्कशन के सिवाय कोई भी प्रॉब्लम हल नहीं होगा। देखिए हम तो यही कह रहे हैं, हम तो लगातार यही कह रहे हैं कि बॉर्डर इश्यूज को लेकर जो है डिस्कशंस की आवश्यकता थी, जो लगातार हम करते आए हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं स्थितियां आज बेहतर हुई हैं।
और जहां तक बात डीएस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट की है वो भी होनी है, ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम बट 100% ये होगा और ये सामने दिखाई भी दे रहा है। अब ये कहते हैं कि चाइना ने 2020 में ऐसा क्यों किया। चाइना से 14 देशों की सीमाएं लगती हैं, मतलब धरती और पानी की अगर हम बात करें, 14 के 14 पे डिस्प्यूट है उसका और 14 के 14 कंट्रीज पे वो मानता है कि उसकी जमीन उन्होंने ली हुई है। पाकिस्तान जिसको वो सबसे ज्यादा पपेट करता है वो उस तक को भी मानता है। अब ये हमसे पूछ रहे, कहते नहीं नहीं अब ऐसा 2020 में क्यों हुआ। मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान और चाइना कहीं ना कहीं डेवलपिंग नेशंस हैं और जिस तरह से स्थितियां बेहतर हुई है, जिस तरीके से कोविड में कहीं ना कहीं चाइना के ऊपर एक अलग टाइप का बर्डन गया है और जिस तरीके से भारत बढ़ा है साउथ ईस्ट एशिया में, जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं और हिंदुस्तान की जो स्थिति बन रही है, कोई भी हमें इग्नोर नहीं कर सकता। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, विषय बहुत साफ है यहां पर, सरकार की मैं इंटरव्यू करना चाहता हूं, पॉलिसी का होना बेहद जरूरी था जो आज तक हम कम से कम चाइना के विषय में तो लैग करते आए हैं। डॉक्टर कांगो आप हंस रहे थे क्यों? नहीं, बीच में एक स्टेटमेंट किया गया कि चाइना की इकोनॉमी बड़ी बुरी है, आज ही पेपर में स्टेटमेंट है कि हमारे पास से फॉरेन इन्वेस्टमेंट जाकर रिमूव होकर ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाइना में जा रहा है। तो इकोनॉमी अच्छी है क्या बुरी है यह हमको समझता है कि इन्वेस्टर को समझता है? यह सीधे सीधी बात है कि इकोनॉमी बुरी है यह हमारे मन के ख्याल है, वास्तविक ऐसे नहीं है। इसीलिए मेरे को लगता है कि जरा सोच समझ कर इस स्टेटमेंट को करना चाहिए कि चाइनीज इकोनॉमी बुरी नहीं है, इंडिया के साथ वो कंपटीशन कर रहे हैं। मुख्य सवाल मुझे लगता है कि क्या चाइना हमारा कॉम्पिटिटर है क्या एनिमी है, इसके ऊपर बहस होनी चाहिए, होने की जरूरत है। सर कंपेटिटर तो वो है, लगता है कि 2014 से लेकर 2020 तक पूछी थी कि एक कंपेटिटर की तरफ जो मानसिकता होती है पहले के जमाने में कैसी होती थी कि दब करके रहना है चाइना से, अब क्या वो मानसिकता बदली है जो कि गलवान में अब दिखाई दिया है, जो समझौता हुआ उसे दिखाई दिया है, ये मेरा सवाल था। डॉक्टर कांगो देखिए 1914 से लेकर 1920 तक हमारे पॉलिसी में काफी बदलाव हुए हैं। एक हम प्रो इंपीरियलिज्म हो गए हैं, क्वाड ये क्या बताता है? क्वाड की डिस्कशन नहीं है, चाइना इज वेरी मच डिस्टर्ब्ड अबाउट क्वाड। और ये क्वाड का डिस्कशन करेंगे तो क्वाड ये बताता है कि मोदी ट्रंप अब की बार ट्रंप ये बोलने का वजह क्या थी कि हम पूरी तरह से प्रो अमेरिकन होने की कोशिश बदली है कि नहीं बदली है। इसके लिए चाइना ने मेरे को लगता है कि 2020 में चाइना ने हमको बताया कि यू विल हैव टू कम बैक टू योर न्यूट्रल स्टैंड और वो आज वापस आए हैं। इसीलिए पुतिन को, यूक्रेन को सब जगह बोल रहे हैं कि हम शांति वार्ता करेंगे, लेकिन इसराइल के साथ, इसराइल और पैलेस्टाइन में शांति वार्ता की बात नहीं। सर आपने पूरा समझा दिया, प्रो अमेरिकन स्टैंड जो है सवाल अलग पूछ डालेगा। मैं ये पूछ रही थी कि चाइना के विस्तारवाद को लेकर के पहले भारत में एक ये सहमति थी कि डोंट पोक द ड्रैगन, जिसको कहते हैं कि चाइना को पंगा मत लो। अब ये मानसिकता बदली है और भारत ये सोचता है कि अगर हमसे भिड़ेंगे तो आपको जवाब मिलेगा, क्या आप ये मानते हैं? देखिए ये प्रोजेक्ट किया जाता है, असलियत ये है कि नहीं ये टेक्निकलिटीज के बाद ही मालूम हो जाएगा। ठीक है, टेक्निकलिटी सब टेक्निकलिटी पे आ जाता है शिवम त्यागी। अभी तो पता नहीं है ना कि चाइना माना क्या है। देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड एंड परमानेंट एनिमी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, बहुत सीधी सी बात है। मैं मानता हूं कि आपकी पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, लेकिन उसकी रूट्स कहां से है, आपका दिल थोड़ा सा किसकी तरफ नरम है ये देश जानता है। अब मैं उसमें ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना चाहता, लेकिन ठीक है भाई आप रहते तो इसी देश में है ना। कहते वो नहीं चाइना की हालत खराब नहीं है, चाइना 4.8 की रिकॉर्ड से बढ़ रहा है जीडीपी में, हम 7+ बढ़ रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि उनकी जीडीपी इन साइज हमसे ज्यादा नहीं, लेकिन क्यों जा रहे हैं चाइना में? ग्रोथ की जो स्थिति है वो बेहतर है हमारी इस समय, अगर हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में टॉप 3 में हैं तो इसकी स्थिति बेहतर है। से पैसे निकाल कर चाइना में जा रहे हैं, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम नंबर 2 है तो स्थिति बेहतर है हमारी। से पैसे निकाल कर चाइना में जा रहे हैं भाई, दुनिया में यूएस को सरपास करके सिर्फ चाइना से पीछे है तो इसमें स्थिति बेहतर है हमारी। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, हम पीछे क्यों हैं भाई, पिछले 40 साल उठाकर देखिए ना, जब चाइना जो है प्रोडक्शन में काम कर रहा था, हम यहां पर शाबानों के केस पलटने में और न जाने किन किन चीजों में लगे हुए थे, दादाजी नानाजी चाचाजी फूफाजी इन्हीं चीजों में लगे हुए थे, पॉलिटिक्स कर ही नहीं रहे थे। जब रेवोल्यूशन आया उस समय हिंदुस्तान आवश्यकता थी भाई, ये जो चीजें आज हो रही है, ये जो देश में काम किया होता तो देश को सड़कों की आवश्यकता आज नहीं होती, ये 40 साल पहले हो जाना था लेकिन नहीं हुआ।
ठीक है पंकज जी, आपको बुरा लगता है, आपको लगता है चाइना बहुत बेहतर कर रहा है, क्योंकि पिछले 50 साल का जो बैकलॉग है उसको बेहतर करने में, स्थितियां आने में जो आज बनी है, ये समय लगा है और ये 10 साल में इसीलिए हिंदुस्तान बेहतर है और जवाब दे पा रहा है। थैंक यू। ठीक है, एक बड़ी खबर आ रही है, मनीष बता रहे हैं। बिल्कुल पद्मजा, हम अपने दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति के बीच जो मीटिंग चल रही थी वो अब खत्म हो गई है। लगभग 45 मिनट से अधिक देर तक ये मीटिंग चली है। तो आप सोचिए 45 मिनट से अधिक की ये मीटिंग, इसका मतलब यह है कि 5 साल के बाद जब दोनों नेता मीटिंग कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि कमोबेश दोनों देशों से संबंधित हर तरह के मसले पर बातचीत हुई है, ना केवल बायलेटरल बल्कि रीजनल और ग्लोबल इश्यूज पर भी बातचीत हुई है। और उसके बाद अभी ये जो खबर आ रही है, अब इस मीटिंग में क्या क्या तय हो गया है जल्दी हम अपने दर्शकों को वो भी बताने की स्थिति में होंगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस मीटिंग के बाद, देखिए ये बात हकीकत है, आंकड़े के हिसाब से भी अगर देखें तो चीन की अर्थव्यवस्था $18 ट्रिलियन के पार है, हमारी अर्थव्यवस्था करीब 4.25 ट्रिलियन के आसपास है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जियो पॉलिटिक्स में दोनों देश अपने अपने लेवल पर अपने अपने डायरेक्शन में काफी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन रूस का भी एक बड़ा योगदान है इस मीटिंग के बैकग्राउंड में अगर आप देखें तो। और इन सब से बढ़कर अगर आप देखें तो आज की तारीख में जिस तरीके से भारत ने क्वाड के साथ संबंध बनाए, सबसे बड़ा सवाल यह होगा अगर हम चीन से दोस्ती करते हैं तो उस क्वाड का फीचर क्या होगा। हालांकि तमाम विशेषज्ञ ये बात कहते आए हैं कि क्वाड जो है वो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन उसे रूस या चीन एशियन नाटो के तौर पर देखता है। तो क्या क्वाड में हमारी प्रतिबद्धता कम होगी, और अगर हम क्वाड को लेकर सीरियस हैं तो फिर हम चीन के साथ दोस्ती को कितना कंटिन्यू कर पाएंगे, बहुत से ऐसे अनसुलझे सवाल होंगे बिल्कुल इस संबंध को लेकर। और जो भी कहते हैं कि चीन को भारत पसंद क्यों नहीं है, देखिए अभी वो पावर इंडेक्स आया था, एशिया पावर इंडेक्स, उसमें अगर भारत तीसरे नंबर पर आ जाता है चीन और यूएस के बाद, तो चीन को भारत कैसे पसंद आएगा, कोई भी नहीं चाहेगा कि भारत उनकी टक्कर का बन जाए। पर पंकज जी अभी शिवम त्यागी क्या कह रहे थे कि मिलिटरीली हो या फिर इकोनॉमिकली हो, अगर आज भारत चीन के बराबर नहीं है उसका भी दोष आप ही की सरकार पर है या कांग्रेस की जो सरकार रही है उनके ऊपर है, क्योंकि पिछले कई दशकों से आप क्या कर रहे थे, आप चीन के खिलाफ ना तो उनको टक्कर दे रहे थे ना अपने देश को आगे बढ़ा रहे थे, आप और राजनीति में फंसे हुए। वो तो इस मुल्क में जो सारे दोष हैं वो नेहरू के और पिछली सरकारों के हैं, और जो कुछ अच्छा हुआ है वो 2014 के बाद ही हुआ है, तो ये बात तो अब हम सबने स्वीकार कर ली है। देखिए ऐसा है पद्मजा जी, जो ये मानसिकता थी ना, डोंट टेक ऑन द ड्रैगन, चीन से झंझट मोल मत लो, ये किसकी मानसिकता थी? ये मानसिकता तो मोदी सरकार की थी। मोदी सरकार के विदेश मंत्री जी ने कहा, जो मैंने आपको बताया कि चीन बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है तो हम इतने बड़े इकोनॉमिक पावर से लड़ जाएं क्या? तो गलवान की घटना के बाद मोदी जी और शी जिनपिंग के बीच जो कजाक में बातचीत हो रही है हुई है, उसका हम स्वागत करते हैं, सब लोगों को करना चाहिए। और इस बीच भारत चीन सरहद को लेकर दोनों देशों के बीच जो सकारात्मक पहलकदमी हुई है कि उसका भी स्वागत करना साल चाहिए। डोंट पोक द ड्रैगन की तो किसी और की मानसिकता रही थी, अच्छी बात है। मेरा कहना सिर्फ, मेरा निवेदन सिर्फ ये है कि ये जो कुछ उत्साही लाल इस तरह का माहौल बनाने में लगे हुए हैं, माहौल से दिक्कत है इनको, ये नेशनल पॉलिटिक्स में उसका कुछ अच्छा दबाता था, अब नरेंद्र भाई मोदी ने शी जिनपिंग को दबा दिया है। का पहले कवि टिक्कू बताएंगे फिर शिवम त्यागी। पंकजा जी ये पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत ने, ये बायलैटरल मीटिंग की तस्वीर है, मैं आपको दिखा रहे हैं। हाँ, मैं ये बता रहा था, ये पहली बार ऐसा हुआ है भारत ने अपना पावर जो है एक्सटर्नल डिप्लोमेसी के लिए प्रोजेक्ट किया है। अगर आप ताकतवर हैं तो आपने उस ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा दुनिया को बताने के लिए कि हम ताकतवर हैं। अगर आप चुपके बैठ जाएंगे, पावर का इस्तेमाल नहीं करेंगे डिप्लोमेटिकली, आपके पास इतनी बड़ी मिलिट्री है, इकोनॉमी है, अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो अभी तक हो रहा था, अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो लोग ऐसा ही करेंगे। एक सेकंड के लिए आपको रोकूंगी सर, क्योंकि ये तस्वीर बहुत ऐतिहासिक है, बहुत टाइम तक ये हमारे अखबार के पहले पन्ने पर और टीवी पर चलेगी। महाबलीपुरम के बाद पहली मुलाकात है ना ये मनीष, और ये जो हैंडशेक हो रहा है, बॉडी लैंग्वेज बहुत सारे लोग डाइसेक्ट करेंगे। बताइए मनीष, तो तस्वीरें क्या बता रही हैं आपको? बिल्कुल, देखिए 5 साल के बाद ये मुलाकात हो रही है, हैंडशेक हो रहा है, इससे बीच में अगर कभी निगाहें मिली भी तो दोनों ही नेता एक दूसरे को इग्नोर करते हुए ही चले। और इस वक्त जब 5 साल के बाद ये दोनों मिल रहे हैं, देखिए 2014 से 2020 के दरमियान प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच 18 मीटिंग हुई थी,
उसमें महाबलीपुरम भी है जहां पर हमने उनको नारियल पानी पिलाया, वहां पर गुजरात भी है जहां पर हमने झूले झुलाए, लेकिन इसके बावजूद भी 2020 में गलवान हुआ। और वेस्टी भी पहनी थी उन्होंने। मैं आपको बता दूं, इसी स्टूडियो में मैंने विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर से यह पूछा भी था कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा हमें भी नहीं पता कि ऐसा चीन ने क्यों किया, क्योंकि यह चीन ही जानता होगा कि उन्होंने ऐसा दोस्ती के साथ इस तरह का रुख क्यों अपनाया। लेकिन यह भी देखिए कि आज जब यह मीटिंग हुई है, इस मीटिंग के जो विजुअल्स हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि इसमें प्रधानमंत्री मोदी के साथ विदेश मंत्री मौजूद हैं, एनएसए मौजूद हैं, विदेश सचिव मौजूद हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रेसिडेंट सी जिनपिंग के साथ उनका पूरा डेलीगेशन मौजूद है। एक माहौल यह बना है कि भारत और चीन के बीच कम से कम यह सहमति बनी है कि अब युद्ध नहीं करना है, युद्ध के जगह पर सीमा पर कैसे शांति और स्थिरता लाई जाए। और मुझे लगता है अगर यही हो गया तो हम सब के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यही होगी। और बॉडी लैंग्वेज की मैं इसलिए बात कर रही थी क्योंकि उससे कई बार डिप्लोमेसी में बहुत कुछ कंधे हो जाता है कर्नल टिक्कू, जैसे कि जब भी शहबाज शरीफ से जयशंकर जी मिले थे वहां पर कोई हैंडशेक नहीं था, कोई हग नहीं था, कोई स्माइल नहीं थी, यहां पर देयर इज अ डेफिनेट थॉ ये दिखाई दे रहा है रिश्तों में। नहीं, वेरी फैक्ट की बात आपस में हो रही है, इतना कुछ हुआ इंडिया चाइना के बीच में पिछले कई सालों से, 4 साल से ऐसा हुआ, उसके बाद दोनों लीडर्स मिल रहे हैं आपस में, वही आप अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जब बातचीत होती है आपस में देर इज थॉ और बात आगे बढ़ने की संभावना है, जैसे कि अभी ये जो एग्रीमेंट हुआ है मिलिट्री लेवल पर, दैट्स एन इंडिकेशन। तो मुझे लगता है ये बात आगे बढ़नी चाहिए, और आजकल इंटरनेशनल सिचुएशन ऐसी है कि चाइना ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकता है क्योंकि ताइवान के साथ गड़बड़ हो रही है, मिडल ईस्ट में इतना ज़बरदस्त भूचाल आया हुआ है। तो मैं मानता हूँ कि चाइना इंडिया एक बार सुन लेते हैं कि मोदी जी क्या कह रहे हैं। ये फॉर्मल मीटिंग हो रही है, हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। आज इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है, मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। धन्यवाद। सीमा पर समझौते का स्वागत है, ऐसा कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। उन्होंने कहा कि एक म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी होनी चाहिए दोनों देशों के बीच में। और सबसे जरूरी बात उन्होंने कहा कि भारत और चीन के रिश्ते वर्ल्ड पीस यानी कि वैश्विक शांति के लिए बेहद जरूरी, बेहद अहम है इस वक्त पे। अभी शी जिनपिंग की तरफ से भी अगर कुछ कहा जाएगा उस पर हमारी नजर है। आप माहौल की बात कर रहे थे शिवम त्यागी। देखिए, माहौल की अगर आप बात कर रहे हैं तो देखिए कांग्रेस को चाहे या फिर अभी तो ऐसे मुस्कुराहट को देख करके वहां पर माहौल ठीक ही दिखाई दे रहा है। नहीं, कितना भी चाहे इनको दर्द होता रहे, चाहे इनको कितना भी लगे कि इनको नेशनल पॉलिटिक्स में इस तरह के माहौल से काफी नुकसान होगा, लेकिन भाई एक बात तो माननी पड़ेगी, पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी का माहौल तो है भाई, आप उस जलवे को तो डिनाय कर ही नहीं सकते किसी भी पे। मतलब इतने सारे हिस्टोरिक डिसीजंस हैं, इतनी सारी चीजें हैं, आप कब तक इसको डिनाय करते रहेंगे? आप लगातार कहते रहिए, लेकिन ये बात सच है कि चाइना के साथ जिस तरीके से इस देश की अभी की सरकार ने डील किया है, इससे पहले किसी सरकार ने या फिर उसके किसी भी पड़ोसी ने इस तरह से डील नहीं किया है। और मैं फिर से कहना चाहता हूं, युद्ध इसलिए जरूरी नहीं है कि भारत और चाइना में अगर युद्ध होता है तो दुनिया की आधी आबादी में युद्ध हो रहा है बाय डिफॉल्ट। जाहिर है कि उससे इकोनॉमी पर क्या क्या फर्क और असर पड़ सकते हैं ये दुनिया जानती है। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, आपने कहा कि भाई ये बॉडी लैंग्वेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, बॉडी लैंग्वेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बड़े कॉन्फिडेंट और बड़े हंसते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आजकल जो बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट होते हैं उनके साथ बड़ा बैठ रहा हूं, तो मुझे लगता है कि काफी कुछ पॉजिटिव है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी कि बॉर्डर पर जिस तरह की चीजें हुई हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं जो एक कंसेंसस बिल्ड हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों देशों के लिए। चाइना भी चाहता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह की स्थितियां अब बनी है कोविड के बाद से,
ठीक है, वो भी कोई बहुत ज्यादा बड़ा हिट लेने के लिए तैयार नहीं है। इकोनॉमी सबकी डेंट होती है, और अगर किसी कंट्री के पास 1.4 बिलियन 5 बिलियन लोग हो, सीपीआई तो सबको आगे, सीपीआई के नेता यही तो कह रहे हैं कि आप माहौल बना रहे हैं। आप कह रहे हैं, देखिए पंकज जी बोल रहे हैं यहाँ शिवम त्यागी की जलवा तो है मोदी जी का, और ये जो हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है इसमें भी इसका असर होने वाला है। हाँ हाँ, जलवा तो है मोदी जी का, इसमें कोई दो मत नहीं है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो चीन ने 3 बार उन्हें अपने यहाँ बुलाया, वो गए और उनकी भव्य अगवानी हुई। फिर जब वो प्रधानमंत्री बन गए तो उन्होंने 5 बार चीन की आधिकारिक यात्राएं की। शी जिनपिंग के साथ उन्होंने 18 बार खुद बैठकें की हैं, अब एक बैठक और हो रही है। तो देख लेते हैं कि इसके नतीजे हमारी असली समस्याओं को समाधान करने में कुछ निकलते हैं या नहीं निकलते हैं। तो मैं बार बार यही निवेदन कर रहा हूं कि अभी से इतने उत्साह में आकर ये माहौल बनाना कि वाह चीन दब गया, मोदी जी ने अब चीन को दबा लिया, मोदी जी कभी यूक्रेन का युद्ध रुकवा देते हैं, मोदी जी कभी कुछ कर देते हैं, अरे इतने उत्साह में आकर एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत शुरू हुई है, उसकी सकारात्मकता पर आप इस तरह के नकारात्मक प्रभाव न डालें, इसके प्रतिकूल परिणाम निकल जाएंगे। अति उत्साह, भारतीय जनता पार्टी के लोग जबरदस्ती इसका शेयर लेने लगे हैं और ये दिखा रहे हैं कि शी जिनपिंग को दबा दिया नरेंद्र भाई मोदी ने, ये ठीक नहीं है। विश्व राजनय में इस तरह से काम नहीं होता, इमैच्योर पॉलिटिक्स है। और कहा क्या, जो ये स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, ना समझी और भोलापन, चीन पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ना समझी और भोलापन। एक्चुअली कांग्रेस की और इंडिया अलायंस की मेजर प्रॉब्लम ये है कि ये भारत और भारत की शक्ति को कभी पहचान ही नहीं पाए। आपको याद होगा शी जिनपिंग बोल रहे हैं, वी आर बोथ एट ए क्रूशियल फेस इन आवर रिस्पेक्टिव मॉडर्नाइजेशन एंडेवर्स, इट बेस्ट सर्व्स द फंडामेंटल इंटरेस्ट्स ऑफ आवर टू कंट्रीज एंड टू पीपल्स फॉर बोथ साइड्स टू कीप टू द ट्रेंड ऑफ हिस्ट्री एंड द राइट direction of our bilateral relations. It's important for both sides to have more communication and cooperation, properly handle our differences and disagreements, and to facilitate each other's pursuit of development aspirations. It's also important for both sides to shoulder our international responsibility, set an example for boosting the strength and unity of the developing countries, and to contribute to promoting multipolarization and democracy in international relations. 欢迎总理先生就两国关系和共同关心的问题交换意见。 Mr. Prime Minister, I'm prepared to exchange views with Your Excellency on our bilateral relationship and issues of mutual interest. Excellency, तो भारत चीन के संबंध वैश्विक शांति के लिए अहम है, यही बातों को एक बार दोबारा दोहराया गया है। शिवम त्यागी अपनी बात पूरी कीजिए। मैं यही कह रहा था कि कांग्रेस और खास तौर पर इंडी अलायंस वाले भारत की ताकत को पहचानने में लगातार नाकामयाब रहे हैं। ये चाइना का विषय नहीं है, चाहे पाकिस्तान का भी विषय रहे, अगर वो भी मार कर जाता था तो ये लोग यही करते थे, यही रोना धोना मचाते थे, यही चीजें करते थे, यही अपने नेशनल पॉलिटिक्स में फायदे नुकसान देखकर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या हो जाएगा, इसी तरीके से फिलिस्तीन और इसराइल वाले मामले में करते थे कि सिर्फ फिलिस्तीन को विजिट करते रहते थे, लगता था कि इसराइल से बात कर लेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आप देखो और सीखो। अभी पिछले दिनों शशि थरूर जी ने भी इस बात को लेकर एस जयशंकर जी के विषय में कहा था कि उनका अग्रेशन है थोड़ा ज्यादा अगर हम बात करें डिप्लोमेसी को लेकर, लेकिन सब कुछ तो उनके सारे डिसीजन तो सही सक्सेसफुल हो रहे हैं। आज तो हम सबके साथ एंगेज कर रहे हैं, अगर हम रशिया के साथ एंगेज कर रहे हैं तो यूक्रेन के साथ भी एंगेज कर रहे हैं, अगर हम चाइना के साथ एंगेज कर रहे हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी एंगेज कर रहे हैं, कहीं कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है। इसराइल के साथ एंगेज कर रहे हैं तो फिलिस्तीन पर भी हमारा स्टैंड है, क्योंकि भालचंद्र जी बहुत नाराज हो जाते हैं, भालचंद्र जी नाराज होते हैं इंपीरियलिस्ट के साथ बैठे हुए, उनकी नाराजगी को तो इतना डिस्क्रेडिट कर दिया हिंदुस्तान में, जेएनयू के अलावा बेचारे कहीं बचे ही नहीं है, यही हाल रहा तो वहां भी नहीं बचेंगे। ठीक है, आखिरी 30 सेकंड मनीष, क्या आगे जाकर के, अरे आप भी कहां थे 1947 1950 में कहां थे, लेकिन अब माफी मांगते थे, माफी मांग रहे थे, अब रहने वाले के मर्डर के बाद तो माफी मांगने के चक्कर में पड़े थे आप, और ना भी रहे लेकिन नेशनल लगातार करते रहेंगे, चाइना की बदल जाएगी। ठीक है चलिए, अब बातचीत शुरू हो गई है, इसका समर्थन हर पार्टी, नेशनल इंटरेस्ट, थोड़े पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है, कोई कह रहे हैं कि आप जल्दी माहौल बना दे रहे हैं, राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मत कीजिए। इन डिफरेंसेस के अलावा कम से कम बातचीत का स्वागत हर कोई कर रहा है। और जहां तक की ट्रेड इंबैलेंस की बात है, दिवाली आने वाली है, कई लोग होंगे जो कि दिए जलाएंगे, कोशिश कीजिए कि चाइनीज दियो की जगह आप भी अपने घर के पास किसी कुम्हार से दिए खरीद ले, एक तरह से आप भी भारत की मदद कर रहे होंगे चाइना के खिलाफ।